गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोबारा से हम लॉकडाउन में हैं, ठीक है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू होंगी, और जैसा भी हम पहले भी कर चुके हैं ये चीज़ें, तो थोड़ा सा अब हमें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है सिलेबस के लिए, क्योंकि जो हम ऑफलाइन में से सीख सकते थे वो चीज़ें थोड़ा सा हम जो है अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन के साथ साथ सीखी जा सकती हैं। चलो, इसमें हम जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जो हमारे हाथ में है वही करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यूनिट थर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास यूनिट टू के दो या तीन चैप्टर्स टॉपिक्स बाकी हैं, यूनिट टू जो हमारी थी, यूनिट टू पे, ठीक है, उसके हमारे पास दो या तीन टॉपिक बाकी हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऑफलाइन क्लासेस बाद में शुरू हों तो वो दो या तीन टॉपिक जो बचे हुए हैं वो उसी तरीके से कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी हैं और वो थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं जो एक ऑनलाइन क्लास के अंदर हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि अब सेक्शन ए, बी और सी तीनों ही हमारे पास हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए, और वो आगे पीछे भी चल रहे हैं। अगर मैं किसी एक में कोई सी यूनिट शुरू करता हूँ, दूसरे में कोई सी यूनिट शुरू करता हूँ, मतलब कि टॉपिक शुरू करता हूँ, तो वो उससे जो है वो मैच नहीं होगा। इसीलिए मैंने सभी के लिए कॉमन एक यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने का जो है डिसीजन लिया है। तो आज हम यूनिट थर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब के लिए नया है, ठीक है, सब के लिए बराबर है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी ने अभी तक सिलेबस की तैयारी नहीं करी है तो इस यूनिट के साथ वो अपना पूरा सिलेबस जो है ठीक ढंग से कर सकें। ये यूनिट हमारी इन कंपैरिजन उन यूनिट से थोड़ी सी कम लेंथी भी है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगा, इसीलिए इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट थर्ड का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब ध्यान से देखो, जो हमने फर्स्ट यूनिट स्टडी करी थी, फर्स्ट यूनिट यूनिट वन के अंदर जो हमने स्टडी करा था, दैट इज जस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और यूनिट सेकंड के अंदर जो हमने स्टडी करा, दैट इज मैग्नेटिज्म। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलकर के बन गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये सबसे पहले जो है जेसी मैक्सवेल, वन ऑफ द फेमस एंड वेल नोन साइंटिस्ट, ठीक है, जेसी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड को आपस में कंबाइन किया था। अब यहां पर वो सारी चीजें हम देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड होगा, उसमें मैग्नेटिज्म से भी रिलेशन होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जब आ गया है, तो फर्स्ट यूनिट में सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म में हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन करा, करंट पास करके मैग्नेटिक बना दी। लेकिन जेसी मैक्सवेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, उसने एक इक्वेशंस बनाई और उन इक्वेशंस को हम मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम देते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने मैक्सवेल इक्वेशन का स्टडी करना है वो इसी यूनिट के अंदर करना है, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। यानी मैक्सवेल ने इन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जब कंबाइन करके इक्वेशंस की फॉर्म दे दी थी, तो उन्हीं इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है, एंड दीज आर नथिंग जस्ट इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे न्यूटन ने मोशन के अंदर लॉज दिए थे, तो वही लॉज जो काम करते हैं वही काम मैक्सवेल की इक्वेशन करती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है।
अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ वो टर्म याद होनी चाहिए हमें, जो हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी हैं और सेकंड यूनिट में भी, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जो है आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी से भी वर्ड आ गए यहाँ और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़, यानी ये दोनों मिलकर के जो क्वांटिटीज़ होंगी उनकी कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास और उनके कुछ रिलेशंस हैं, उनको हमने स्टडी आउट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ई ई को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये होता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है, या इसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, वी वोल्टेज अगर हम निकालते हैं तो ई बाई एल होता है एक तरीके से, ठीक है, और ये हमारे पास वोल्ट पर मीटर की टर्म्स में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई। एच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी का नाम भी दिया था, और ये एच जो थी हमारे पास थी एन आई बाय एल, करंट एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर दैट वाज द यूनिट, ठीक है। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट इज ई इज इक्वल टू वी बाय एल, बहुत सिंपल, आपने कई बार 12th क्लास में भी इसको स्टडी करा होगा। उसके बाद आता है डी, ये एक नई टर्म है थोड़ी सी आप लोगों के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम कूलाम पर मीटर स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो जो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके या निशान लगा रहा हूँ तो वो थोड़ी से अलग टर्म है, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बी ये भी पढ़ चुके हैं आप, मैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वेयर, एप्साइलन परमिटिविटी इसको हम कहते हैं, फर्मी पर मीटर इसकी यूनिट है, एप्साइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों ही टर्म सेम यूनिट, मतलब कि दोनों ही टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ नॉट लगाने से इट बिकम्स फॉर द फ्री स्पेस, एंड सेम एफ मीटर इनवर्स। तीसरी टर्म एप्सिलन आर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, क्योंकि ये एप्सिलन आर है और एप्सिलन आर जो है वो हमें एप्सिलन को एप्सिलन नॉट से डिवाइड करने पर मिलती है, तो सेम यूनिट होने की वजह से इट बिकम्स डायमेंशनलेस। नेक्स्ट, अब ये तो हमने सारी पढ़ ली किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, एप्सिलन एप्सिलन नॉट एप्सिलन नॉट आर। अब आता है म्यू, परमीएबिलिटी, ठीक है, ये परमिटिविटी था, ये परमीएबिलिटी है, हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट परमीएबिलिटी फॉर द फ्री स्पेस, अगेन जैसे यहाँ नॉट लगाया था एप्सिलन में वैसे ही म्यू के साथ नॉट लगाने से वो फ्री स्पेस के लिए बन गया, दिस इज हेनरी पर मीटर, सेम यूनिट, सिर्फ नॉट लगाया है यहाँ पर। एप्सिलन ये सॉरी म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये भी डायमेंशन लेस है क्योंकि म्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए जो है हमें इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है क्योंकि ये टर्म हमें यूज करनी है। जे करंट डेंसिटी, ये भी आपने पढ़ा था सेकेंड यूनिट के अंदर, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, एक नई टर्म, जैसे अभी डी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इतना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही अब एक नई टर्म है कर्ली डी बाय टी, दैट इज कर्ली डी बाय टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये टर्म थोड़े से ध्यान में रखना कि अगर सिर्फ वेक्टर डी आ रहा है तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, और कर्ली डी बाई टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट, और जैसे ही क्योंकि ये करंट है, करंट डेंसिटी थी, ये भी करंट डेंसिटी है, तो इसकी भी सेम यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कुछ टर्म आ गई हैं, ठीक है, इन टर्म्स को हमने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है, ये टर्म किस तरीके से कैरी आउट करने हैं। अब इनके बीच में रिलेशंस देख लेते हैं, इनमें से कुछ रिलेशंस आप पढ़ भी चुके हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एप्सिलन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलन आर अपॉन में सॉरी एप्सिलन आर इंटू में एप्सिलन नॉट, या आप इसको आर निकाल के इसके नीचे ले जा सकते हैं, वैसे ही म्यू के बीच में ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन भी आप पढ़ चुके हैं, बी इज इक्वल टू म्यू एच, क्योंकि ये हमारे पास था वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई था, जब हम आई को नेग्लिजिबल ले लेते हैं तब ये टर्म हमारे पास आती है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर म्यू है दैट इज नॉट म्यू नॉट,
ये ध्यान रखना है, दैट इज न्यू, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर फ्री स्पेस. करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू में ई, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है. अब एक ये डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये आपने पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द वेक्टर में. इसको बोलते हैं एक, या तो हम इसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का भी ऐसा कुछ नाम दिया था हमने, ठीक है, वहां पर लेकिन एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में था ये रिप्रेजेंट. तो ये डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यहाँ पर जो भी एप्सिलॉन यूज हुआ है उसकी वैल्यू भी आपको पता है 8.85 × 10^-12 पर मी पर मीटर, एंड म्यू नॉट इज 4π × 10^-7 हेनरी पर मीटर. तो दीज आर द सम रिलेशंस दैट यू हैव टू बी लर्न अबाउट, ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पर, मेन टॉपिक्स के ऊपर, मैक्सवेल की इक्वेशंस के ऊपर जिसका हमने अभी अभी बात की थी. मैक्सवेल ने जनरली हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में, वेक्टर की टर्म्स में चार इक्वेशंस दी हैं. दीज आर द फोर इक्वेशंस, ठीक है. ये इक्वेशंस आपको क्रैम्प करनी है अच्छे ढंग से, एक एक इक्वेशन आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए, कि बाय चांस जो है वो एग्जाम में इक्वेशंस नहीं देता है और ये कह देता है कि डेराइव मैक्सवेल इक्वेशन, 101% मैक्सवेल इक्वेशन पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. अब वो चारों को भी डेराइव करवा सकता है, वो किन्हीं दो को भी करवा सकता है, वो किसी एक को भी करवा सकता है. अगर वो कह दे डेराइव मैक्सवेल इक्वेशन, तो चारों जब तक याद नहीं होंगे, आपको लर्न नहीं होंगे, तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, डेराइव नहीं कर सकते. तो पहले फर्स्ट को देख लेते हैं. डेल क्रॉस ई दैट इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय टी, याद रखना है डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाय करली टी. दूसरा डेल क्रॉस बी म्यू नॉट करली सॉरी जे वेक्टर प्लस करली डी बाय टी, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर. डेल डॉट ई ये दोनों आप पढ़ चुके हैं पहले, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसला, गॉसला के डिफरेंशियल फॉर्म है जो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने पढ़ा था. एंड डेल डॉट बी सोलेनोइडल नेचर, ये भी आप पढ़ चुके हैं. तो ये दोनों चीजें आप वहां से भी डेराइव कर सकते हैं सेम एज इट इज जो आपने लिखी है. अगर ये दोनों आ जाएं तो ये दोनों आप पढ़ चुके हैं. मेन हमने इन दोनों को स्टडी करना है, ठीक है. ये दोनों बहुत ईजी थी, एक बार इलेक्ट्रिसिटी में हमने इसको पढ़ा और इसको मैग्नेटिज्म में, ठीक है. इसको डेराइव करना भी आप पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बाद में भी डेराइव करेंगे. अब बात आती है कि इन मैक्सवेल इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिखा जा सकता है. ये जो सारी मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है, अगर हम इनको फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं, फ्री स्पेस में म्यू नॉट टर्म ऐड हो जाएगी. वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच और डी इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट ई होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है. करंट वेक्टर डेंसिटी इसको नाम दिया था हमने, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई. अब जहां पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. पहले टर्म में हमने इसको नहीं चेंज किया, डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाय टी एज इट इज हमने लिख दी, डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाय टी, इसको चेंज कर दिया. अब इस बी की जगह हमने क्या लिख दिया है, म्यू नॉट एच. जब हम इस बी की जगह म्यू नॉट एच लिख देंगे तो ये आ गई डेल क्रॉस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, म्यू नॉट एच. दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या है हमारे पास, म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाय करली टी. अब ये म्यू नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर लिख करके कैंसिल आउट कर देंगे, और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, डेल क्रॉस एच जे करली डी बाय करली टी, ठीक है. सिर्फ ये म्यू नॉट बी म्यू नॉट एच से कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है. एच बाहर लेकर के कॉमन लेकर के और एच में टर्म्स में ये इक्वेशन आ गई है. तीसरी इक्वेशन डेल डॉट ई दिस दैट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहां भी एप्सिलॉन नॉट आ गया है तो डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ई. तो हम अब इसको भी चेंज कर सकते हैं. अब ये डेल डॉट ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ई की जगह हम लिख सकते हैं डी बाय एप्सिलॉन नॉट.
वेक्टर डी बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सो इट कैन बिकम्स डेल डॉट ई, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दें और वो भी क्या आ जाएगा, डी के बराबर, सेम थिंग्स, ठीक है। तो डेल डॉट डी दैट इज इक्वल टू रो, इसमें हमारे पास ना तो म्यू नॉट है ना एप्सिलॉन नॉट है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये कहेंगे कि हमने इस इक्वेशन को तो चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया, वो क्यों, क्योंकि हम फ्री स्पेस के लिए लिख रहे हैं, जहां पर म्यू नॉट टर्म्स हैं सिर्फ उन्हीं को चेंज करा हमने, ना तो इसमें कोई म्यू नॉट की टर्म है ना इसमें कोई म्यू नॉट की टर्म है, तो इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और फोर्थ को एज इट इज हमने लिख दिया। सेकंड में यहां म्यू नॉट है तो इसको चेंज कर दिया बी की जगह, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ऐसे ही इसको यहां ले गए तो डी बन गया ये, और इसकी वैल्यू आ गई डेल डॉट डी, दैट इज द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हम मैक्सवेल्स की डिफरेंशियल फॉर्म का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट समझ में ना आए तो वो मैसेज करके सेंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, कैसे ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो ये हमारी अब चार इक्वेशन हैं, अब आपको चार नहीं याद रखनी, अब आपको आठ याद रखनी है, क्यों, क्योंकि इन इक्वेशंस में हमने इसको चेंज कर दिया है फ्री स्पेस के लिए भी। अगर बाय चांस एग्जाम में ये चार ना दे करके ये चार दे दी जाए तो सेम थिंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इक्वेशंस ई और बी में हो सकती हैं, ठीक है, बी और जे डी में भी हो सकती हैं, ई एप्सिलॉन नॉट रो के साथ और बी डॉट जीरो। अब ई और एच में भी हो सकते हैं, ये ई और एच में चेंज हो गई हैं, ये डी में और ये बी एज इट इज। तो अब इन चारों इक्वेशंस के साथ साथ ये चारों भी आपको याद रखनी है, असल में फर्स्ट और फोर्थ यहां भी सेम है, फर्स्ट और फोर्थ, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, सेकेंड बी एच में चेंज हो गया और ई किस में चेंज हो गया है, डी में चेंज हो गया, म्यू नॉट कैंसिल, इसका एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास अब टोटल एट इक्वेशंस आ गई। अब हम एक एक इक्वेशन को ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मैक्सवेल ने इसको डेराइव किया, तो अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। यानी अगर एग्जाम में सिर्फ इंटीग्रल डेरिवेशन पूछा जाए तो कहां तक करना है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म पूछा जाए तो कहां तक करना है, हमने पूरा डिटेल देखनी है इसकी, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, डेराइव करना है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी। इक्वेशंस हैं, सिंपल है ये, जो आपने पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेशन है इनका सब। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये फैराडेज लॉ से डेराइव की गई है, दिस इक्वेशन कैन बी डेराइव फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सर्किट के अंदर तो वो किसकी वजह से हो रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वी कैन राइट दिस इज इनटू द मैथमेटिकल इक्वेशन, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिवन एज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। और फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स को किसी भी टर्म में लिखना हो तो बी डॉट डी एस या ई डॉट डी एस, और क्योंकि मैग्नेटिक का है ये तो बी डॉट डी एस। तो हमने यहां से फाई को हटाया और उसकी जगह क्या रख दिया, डी बाई डी टी, और ये बी डॉट डी एस। ये जो डी बाई डी टी है इसको हम करली में भी लिख सकते हैं, और आगे हमने यही किया है, इसको क्या लिखा है, ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि डी बाई डी टी इसी का होना है हमारे पास, तो इसको हम चाहे पार्शियल लिखें चाहे पूरा लिखें कोई फर्क नहीं है। तो ई कैन बी रिटन एज माइनस करली बी बाय करली टी इंटू में डी एस, ठीक है, डी बाई डी टी को करली बाय करली टी में चेंज कर दिया है। अब अगर ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो, स्ट्रेंथ, जो अभी अभी फर्स्ट जब हमने शुरू करा था तो फर्स्ट वर्ड ई लिखा था, तो ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं, और ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से ये कैसे रिलेट हो सकती है, ई इज इक्वल टू क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान रखना एक तरीके से, ईएमएफ है ये, ईएमएफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। अभी अभी लिखा था हमने ई दिस इज इक्वल टू वी बाय एल, ये वहां से लिया गया है, ठीक है। अगर हम वी को लिखेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इन टू एल एक तरीके से, और वी क्या है हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्ड यूज कर रहा हूं और, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल फॉर द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, कंप्लीट के लिए। अब ये ई जो है यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में, यानी ई की जगह हम रख देंगे ई डॉट डी एल, तो हमने यहां लिख दिया ई डॉट डी एल, यहां आ गया और ये टर्म एज इट इज यहां उतार दिया। अगर ठीक है वो इंटीग्रल फॉर्म पूछता है तो यहीं पर उसको छोड़ देना है, दैट इज नोन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू करली बी बाय करली टी, और दोनों तरफ इंटीग्रल है, यहां लाइन का इंटीग्रल है और यहां पर किसका है, सरफेस का इंटीग्रल। तो यहां पर हमारी ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कंप्लीट होती है। लेकिन अगर इंटीग्रल वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अब हमने इसको चेंज करना है डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि ये लाइन है और ये सरफेस इंटीग्रल है, तो हम जैसे मैंने आपको कई बार बता रखा है कि लाइन इंटीग्रल को जब भी सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं। देन यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ई डॉट डी एल फॉर द लाइन इंटीग्रल कैन बी चेंज इन टू सर्फेस इंटीग्रल यूजिंग डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, यानी जब भी हम सर्फेस इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो कर्ल में चेंज होकर के मिल जाता है, तो ई डॉट डी एल को हमने स्टोक्स थ्योरम से सर्फेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस में चेंज कर दिया। अब थ्री और फोर को रीअरेंज कर दो क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड सेम थिंग है, तो डेल क्रॉस ई दिस इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली टी इनटू डी एस। अब ये दोनों ही किस में चेंज हो गए हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गए, और क्योंकि डेल क्रॉस ई डी एस सरफेस इंटीग्रल, करली बी बाय करली टी डी एस सरफेस इंटीग्रल है, तो कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, रिमूव भी किया जा सकता है, दोनों ही सरफेस इंटीग्रल हैं, और जब इनको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई डेल क्रॉस ई करली बी बाय टी, एंड दिस इज नथिंग बट आवर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगर कई बार वो सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन नाम ना दे करके ये पूछ ले कि मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाय करली टी है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट रिलेट्स द स्पेशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेशियल वेरिएशन का मतलब डेल के साथ ई चेंज हो रहा है, डेल का मतलब क्या होता है समझते हैं ना आप ना सभी, डेल को करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, ये डेल की वैल्यू होती है, और इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जेड, और ये हो गया स्पेस, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशियल वेरिएशन, किसका स्पेशियल और वेरिएशन हो रहा है ई का, इट रिलेट्स द स्पेशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद किसके साथ, टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये रिलेट कर रहा है स्पेशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइम और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों को आपस में ये रिलेट कर रहा है इक्वेशन। सेकेंड जिसमें टी आ जाए तो वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बन जाती है हमारी, सो इट इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेराइव तो साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है उसकी। तीसरी चीज, इट शोज दैट, क्या शो कर रहा है ये इक्वेशन, टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ साथ चेंज कर दें तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट शोज दैट टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करली बी बाय टी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ई। और लास्ट में इट समराइज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंक्लूडिंग लेंजेज लॉ, लेंजेज लॉ इसलिए क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ गया है, ठीक है, यहां पर लिखा भी था ये कि ये फैराडे लॉ को रिप्रेजेंट करती है, तो इट समराइज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंक्लूडिंग लेंजेज लॉ बिकॉज माइनस इज देयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
और ये हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। अपने सिलेबस को ठीक ढंग से इसी तरीके से चलाते रहें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसको प्रॉपर वे में कर सकें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।